साथियों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 कक्षा 10 के लिए तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए तथा टेंजेंट ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए को हम कॉट ए में कैसे लिख सकते हैं और सीकेंट को इसी प्रकार टेंजेंट को सभी को कॉट में कैसे लिख सकते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सरल समीकरण कौन कौन सी थी थोड़ा ध्यान करें। मेन तीन थी, पहली साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर में एक, और इसके आगे जो पार्ट्स थे वो भी मैं लिख देता हूं, वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर में साइन स्क्वेयर थीटा, या वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बराबर में कॉस स्क्वेयर थीटा, तो एक के तीन। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास था वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बराबर में सीकेंट स्क्वेयर थीटा, या इसको इस प्रकार से लिख लें, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बराबर में एक, या सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन बराबर में टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। मतलब एक बार टेंजेंट को इधर ले जाए, एक बार वन को इधर ले जाए। एक फॉर्मूला हमारे पास और था, वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा बराबर में कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, तो एक बार कॉट को उधर ले जाए, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा बराबर में एक, ये भी हो सकता है एक बार आप वन को ले जाए, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन बराबर में कॉट स्क्वेयर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले जो आगे फॉर्मूले नौ बन जाते हैं, इन्हीं का यहाँ पर यूज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए को कॉट ए में कैसे चेंज करेंगे। साइन ए को हम कॉट ए में कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए। सबसे पहले तो देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर ए का अंडर रूट बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने कॉट में लेके आना है तो क्या होना चाहिए, कोसिकेंट, क्या होना चाहिए कोसिकेंट। तो साइन ए को हम एक बटा कोसिकेंट स्क्वेयर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन ए है वो किसके बराबर होता है, एक बटा कोसिकेंट। ओके, तो यहां देखिए फिर कोसिकेंट स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वेयर, तो वन ओवर वन प्लस कॉट स्क्वेयर। इसको हम जो साइन ए को अगर हमने कोसिकेंट स्क्वेयर में चेंज करना है तो इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्वेयर कर दिया, अंडर रूट कर दिया, इसको कोसिकेंट में ले आए, कोसिकेंट से किस में ले आए, कॉट में ले आए, तो कॉट में ही लिखना था। अब दूसरा सीकेंट ए क्या है, सीकेंट है, इसको भी हमने कॉट में लेके आना है, सीकेंट को भी किस में लेके आना है, कॉट में लेके आना है। तो सबसे पहले स्क्वेयर करें, अंडर रूट लगाएं, क्योंकि स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सीकेंट स्क्वेयर ए से हम किस में जाएंगे, टेंजेंट स्क्वेयर में, किस में जाएंगे, टेंजेंट स्क्वेयर में। तो इसको क्या लिख दूं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए का अंडर रूट। अब टेंजेंट और कॉट में क्या रिलेशन होता है, जो टेंजेंट ए होता है वो होता है एक बटा कॉट ए, क्या होता है, एक बटा में कॉट ए। तो इसको क्या लिख दें, बराबर वन प्लस एक बटा कॉट स्क्वेयर ए का रूट। तो सीकेंट ए बराबर में यहां एलसीएम ले लें, कॉट स्क्वेयर ए प्लस वन बटा में कॉट स्क्वेयर ए, ऊपर सबके क्या है, अंडर रूट, हो गया चेंज। सेकेंड ए को कॉट ए में हमने लिख दिया। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम ये कर रहे हैं कि हर एक दूसरे से इनका संबंध है किसी न किसी फॉर्म में। साइन को हमने कॉट में चेंज कर दिया, सेकेंड को भी किस में चेंज कर दिया, कॉट में चेंज कर दिया। अब देखते हैं टेंजेंट को, तीसरा टेंजेंट ए को कॉट ए में चेंज करना, तो ये हम डायरेक्ट ही चेंज कर सकते हैं, क्या लिख करके, एक बटा कॉट ए, दैट इज द आंसर। तो किस प्रकार
साइन सीकेंट और टेंजेंट को कॉट ए में लिखा जाता है, इस समय आप सीख चुके। सेकेंड सम बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी मतलब साइन कॉस टेंजेंट कॉट कोसेकेंट सीकेंट को सीकेंट के पदों में व्यक्त कीजिए। सभी को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, सीकेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हल, पहले साइन को कन्वर्ट करेंगे, साइन ए है हमारे पास, साइन ए को सीकेंट ए में लेके जाना है। सीकेंट और कॉस का संबंध होता है, तो इसलिए सबसे पहले कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो पहले स्क्वेयर बनाएंगे, स्क्वेयर बनाएंगे तो ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, फिर यहां पर फॉर्मूला ये सेकेंड वाला लग जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए का अंडर रूट। लेकिन हमने लेकर किसमें आना है, सीकेंट में। तो जो कॉस ए होता है दैट इज इक्वल टू वन ओवर सीकेंट, वन माइनस वन ओवर सीकेंट स्क्वेयर ए का अंडर रूट। एलसीएम ले लेंगे, सीकेंट स्क्वेयर ए, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन, दिस इज द आंसर। यानी कि साइन ए को हम सीकेंट ए में कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब आगे चलते हैं कॉस को, ये पहला, दूसरा। अब आपको पता है कॉस को तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, एक बटा सीकेंड है, एक बटा सीकेंड है, ये तो बिल्कुल आसान था, दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं टेंजेंट में, टेंजेंट ए तीसरा, टेंजेंट को इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, टेंजेंट स्क्वेयर ए सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस वन, यानी कि इसको हम पहले स्क्वेयर बनाएंगे, ऊपर अंडर रूट, एक ही बात है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अब टेंजेंट स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन का अंडर रूट लीजिए। ये भी हमने टेंजेंट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट में कन्वर्ट कर दिया। चौथा कॉट, कॉट ए वो किसके बराबर होता है, एक बटा टेंजेंट ए। तो यहां से देखिए टेंजेंट ए की वैल्यू, तीन से टेंजेंट ए की वैल्यू वन ओवर सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन का रूट, ये भी आंसर। यहां लिख लेते हैं तीन से, ये भी आंसर। चार हो गए, पांच। अब क्या है, कोसिकेंट ए, क्या है कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है, एक बटा साइन ए के, किसके, एक बटा साइन ए, एक बटा साइन ए। ये देखिए पहला, यहां एक से लेंगे तो साइन ए की वैल्यू क्या है, यहां हम पुट कर देते हैं, एक बटा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन का रूट बटा में सीकेंट स्क्वेयर ए, इसके ऊपर भी ये सीकेंट स्क्वेयर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन सारे का रूट। तो कोसेकेंट ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर। अब छठा बच गया कोसेकेंट ए, तो कोसेकेंट ए तो कोसेकेंट ए के बराबर होता ही है, जो सीकेंट ए है सीकेंट ए बराबर में सीकेंट ए, दैट इज द आंसर। इस प्रकार सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हमने सीकेंट ए में। थर्ड सम देखते हैं, यहां पर जो फर्स्ट है साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री, ओवर में कॉस स्क्वेयर 17 प्लस कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री। तो देखिए यहां पर पूर्क कोण वाले फार्मूले लगने वाले हैं, सबसे पहले तो यहां 63 है, यहां 27 है, दोनों का सम 90, यहां 17 यहां 73, दोनों का सम 90। इसका मतलब हम दोनों में एक एक को चेंज करेंगे और एंगल को बराबर करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, एक तो ये, दूसरा
कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर थीटा या तो 63 है या 27 है या 17 है या 73 है, तो जो चेंज करेंगे वहीं लगा देंगे। पहले में देखते हैं इसको क्या लिख दूं, साइन स्क्वेयर की जगह कॉस स्क्वेयर, 90 माइनस थीटा की जगह कितना 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री। नीचे कॉस को चेंज करेंगे तो क्या बना दूं, साइन स्क्वेयर 90 माइनस 17 कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री। ओके, तो कॉस स्क्वेयर 90 में से 63 गए 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री, नीचे साइन स्क्वेयर 73 डिग्री, 90 में से 17 गए कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री। अब आपको फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर किसके होता है एक के, तो यहां थीटा की जगह 27 है यहां 73 है, फॉर्मूला दोनों में यही लग जाएगा। तो ऊपर भी क्या हो गया एक, क्योंकि तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा एक ही बात है, थीटा की जगह 27 है नो प्रॉब्लम, 73 है 73 है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बटा में एक, तो आंसर कितना आ गया एक। बहुत आसान था, एक तो ये पूरक कोण वाला फार्मूला लग गया और एक ये फार्मूला लग गया। दूसरा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। हम कोशिश करेंगे सभी जो है एंगल सेम हो जाए, चलो 65 बनाते हैं। तो यहां 65 बनाने के लिए साइन थीटा को चेंज करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, एक ही एंगल बनाएंगे। यहां 25 को चेंज कर देते हैं तो यहां क्या बन जाएगा कॉस 90 माइनस 25, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 65 बनाना है, प्लस कॉस 25 को साइन 90 माइनस 25 तो साइन 65। अब देखिए ये बन गया कॉस 90 माइनस 25 65 डिग्री, ये भी कॉस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, 90 में से 25 के 65 साइन 65 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एक जैसे स्क्वेयर हो गया, तो कॉस स्क्वेयर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 65 डिग्री, ये भी दो बार था तो स्क्वेयर हो गया। तो आपको पता है फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर किसके होता है एक, या थीटा की जगह 65 है और दोनों सेम है, तो आंसर कितना आ गया 1। तो उम्मीद करता हूं जो आज के सम थे, जो सर्व समीकरणों के ऊपर आधारित है, आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे और चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, इसलिए आपका बहुत बहुत